बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। आज हम बनाएंगे अचार वाली दाल माच। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देखते हैं अचारी दाल माच बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। दाल माच, अचार, प्याज, लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लिया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च। माश जो है तकरीबन 5-6 घंटे पहले पानी में भिगो दी थी और अच्छी तरह धोकर इनका पानी जो है वो निकाल लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्याज काट लें। प्याज काट लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम टमाटर काट देंगे। टमाटर काट लिए। सब्ज़ मिर्च काट देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब्ज़ मिर्च के 2-2 पीस कर लें। सब्ज़ मिर्च काट लिए। चूल्हे में आग जल गई है, कढ़ाई चढ़ा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कढ़ाई में घी डाल लेंगे। और घी को गर्म होने देंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोस आपको टाइम पर मिल सके, और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको टाइम पर मिल सके। घी गर्म हो गया, प्याज डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज ब्राउन हो गया, लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और लहसुन और अदरक को भून लेंगे तकरीबन 2-3 मिनट। लहसुन और अदरक भी भून गया, टमाटर और सब्ज़ मिर्च डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और थोड़ी देर भून लेंगे। थोड़ी देर भूनने के बाद नमक मिर्च डालेंगे। नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच कूटा हुआ धनिया, थोड़ा सा कूटा हुआ ज़ीरा मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और मसाले को थोड़ी देर भूनने के बाद अचार डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अब यहाँ पर मसाले को 2-3 मिनट भूनेंगे। मसाला अच्छी तरह भुन गया, दाल माच डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दाल माच जो है आप उबाल कर भी डाल सकते हैं। अगर उबालनी नहीं है आपने तो तकरीबन 5-6 घंटे पहले भिगो दें पानी में,
दाल माश को यहाँ पर 5-6 मिनट अच्छी तरह भून लेना। दाल को 5-6 मिनट अच्छी तरह भूनने के बाद पानी डाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा और डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी उतना ही डालना जितने पानी में दाल जो है गल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दाल के गलने तक इसे ढक देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 चेक कर लेंगे दाल। अल्हम्दुलिल्लाह दाल जो है वो गल गई है और पानी जो है वो भी खुशक हो गया। अचारी दाल माश जो है बिल्कुल तैयार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कढ़ाही नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 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 माशाल्लाह ये देखें चारी दाल माश माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली नई वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सके। और साथ ही बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जो आपको टाइम पर मिल सके। अल्लाह पाक आप सब पर अपना रहम फरमाए, करम फरमाए, दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। और इसी के साथ अली हम तो दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।